वेलकम टू SS डिफेंस अकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CRPF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन्स 1/3/2015 का रियल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत जो कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन्स का एग्ज़ाम 2016-17 में कंडक्ट हुआ था, उसका मैं आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर साथ में उसका सॉल्यूशंस का PDF अपने टेलीग्राम चैनल SS डिफेंस एकेडमी पर अपलोड कर दिया हूँ तथा वीडियो सॉल्यूशंस यूट्यूब पर अपलोड है। तो आप अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। यह 2015 का ट्रेड्समैन्स कुक का रियल क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद मैं 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था सफाई कर्मचारी कुक और वाटर कैरियर का, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग GK और हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1526 में। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। अब यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, वाई द मापने की इकाई है, तो इकाई पूछा गया था, तो आंसर होगा मिली बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए पूछा गया था ऊंच दाब वाले क्षेत्र के केंद्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर गोलाकार बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चक्रवात। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, आंसर हो जाएगा NaCl। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था निम्न में से क्या प्रतिजैविक नहीं है, तो देखिए ऑप्शन डी था थायरोक्सिन, ये जो प्रतिजैविक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सी एंजाइम नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है थायरोक्सिन, ये एंजाइम नहीं है बल्कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये एंजाइम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था डायोप्टर का मात्रक है, तो आंसर मात्रक है, तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या डायोप्टर। और क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 पूछा गया था कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। 14 क्वेश्चन पूछा गया था रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए, तो आंसर हो जाएगा इसका गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सभी रबी फसलें हैं, यही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था अमर बेल किस श्रेणी में आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये परजीवी था, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का, हिंदी में पूछा गया था आध्यात्मिक का विलोम शब्द, तो आंसर हो जाएगा भौतिकी। 17 क्वेश्चन पूछा गया था मुख का विलोम शब्द, तो आंसर हो जाएगा बचाल। 18 क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी आयु कम हो के लिए एक शब्द, तो आंसर हो जाएगा अल्पायु। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द, तो आंसर होगा उर्वर, आंसर हो जाएगा उर्वर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कुल्लू का बैल मुहावरे का अर्थ होगा, तो आंसर हो जाएगा रात दिन काम करने में लगे रहना। अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन पूछा गया था इस आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा धोखेबाज मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था खूबसूरती का सही बर्तनी होगा, तो देखिए इसमें हर्षऊ है, यहाँ पर दीर्घऊ होगा दोनों खूबसूरती। क्वेश्चन 23 पूछा गया था गोधूली के पर्यायवाची, तो आंसर हो जाएगा संध्या। क्वेश्चन 24 पूछा गया था दुकाल का उपसर्ग, तो आंसर हो जाएगा दू जो है ये उपसर्ग है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीमा पर डैश तैनात होते हैं, ऑप्शन था सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेना। तो ये रहा कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 1/3/2015 का हिंदी और GK का क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में मैथ और रीजनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद मैं 2014 का ट्रेड्समैन का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।